अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 का अपना जो टॉपिक नंबर है 6.8, दैट इज एफिशिएंसी। सो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या होती है एफिशिएंसी एंड फॉर्मूला क्या है एफिशिएंसी काउंट करने का, या परसेंटेज एफिशिएंसी किस तरह काउंट की जा सकती है। सो एफिशिएंसी से हमें क्या पता चलता है, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि वर्क डन क्या होता है। ठीक है, वर्क डन के लिए कोई भी काम करवाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इनपुट देनी पड़ती है। ठीक है, देन हमें क्या मिलती है, आउटपुट। सो जब भी मशीन या किसी भी चीज़ से आउटपुट लेनी होगी तो सबसे पहले हमें इनपुट देनी पड़ेगी। लाइक अगर हम सिंपली देखें, कोई भी मशीन है उसको वर्क करवाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, देन वो काम करती है। जिस तरह इलेक्ट्रिक मोटर्स हैं, पानी को जब आपने टैंक में स्टोर करना हो या ड्रिलिंग करनी हो या कोई भी पर्पज़ के लिए, आप सबसे पहले क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। लाइक अगर आप फ्रिज को भी देखें तो आप क्या दे रहे हो रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एंड उसकी वजह से क्या जो है फ्रिज में कूलिंग होती है। सो सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए, पहले वर्क डन करवाने के लिए हमें सबसे पहले देनी पड़ती है इनपुट। ठीक है, एंड देन वी गेट आउटपुट। सो एफिशिएंसी किस तरह से आएगी, एफिशिएंसी होता है कि कितना अच्छा काम परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, जितनी हम इनपुट दें उसके अकॉर्डिंगली जितनी अच्छी आउटपुट आएगी वो हमारी एफिशिएंसी होगी। ठीक है, लाइक अगर हम दो स्टूडेंट्स लेते हैं, ठीक है, और दोनों को एक ही जो टीचर हैं वो पढ़ाते हैं, ठीक है, वो दोनों को उतनी ही एफर्ट से पढ़ा रहे होते हैं, सब कुछ सही होता है, बट अल्टीमेटली क्या होता है, जब रिजल्ट आता है तो एक बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आ जाते हैं एंड दूसरे के अच्छे नहीं आते। सो अब इनपुट तो दोनों को सेम दी गई, सेम एफर्ट उन पर अप्लाई किया गया, एक ही टाइम में एक ही तरह से उन्हें टीच किया गया, बट एक ने अच्छा आउटपुट दिया, एक ने अच्छा नहीं दिया। तो इट मीन्स ये एफिशिएंसी है कि जितनी हम इनपुट दे रहे हैं उस हिसाब से हमें कितनी अच्छी आउटपुट मिल जाएगी, वो होती है हमारी एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी की डेफिनेशन है कि इट इज द रेशियो रिक्वायर्ड फ्रॉम एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम। ठीक है, ये एनर्जी रिक्वायर्ड की गई है, जो कि एनर्जी फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम। ठीक है, किसका रेशियो है, सबसे पहले वो एनर्जी जो कि ऑब्टेन की गई है फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है, एज एन आउटपुट टू द एनर्जी गिवन टू द सिस्टम एज इनपुट। सो यहाँ पे हमारी सबसे मेन बात क्या है, सिर्फ दो चीज़ें हैं कि ऑब्टेंड एनर्जी मीन्स आउटपुट, ठीक है, आउटपुट की तरह, एंड इनपुट। सो जब हम रेशियो निकालते हैं आउटपुट ओवर इनपुट की, दैट मीन इट इज़ द एफिशिएंसी। जिस तरह से अब हम लोग एक दो ग्राइंडर्स लेते हैं, ठीक है, ग्राइंडर को हम बहुत किचन में यूज़ करते हैं, ग्राइंडर दो अलग अलग कंपनीज की थी, ठीक है, आपने एक ही मटेरियल एक ही तरह का दोनों में डाला एंड एक ने बहुत अच्छा आउटपुट दिया, एक ने उतना अच्छा आउटपुट नहीं दिया। कुछ जूस मशीन्स ऐसी भी होती हैं जो कि इवन बनाना को भी शेक नहीं कर पाती, तो वो उनमें क्या होता है कि आउटपुट अच्छी नहीं मिली होती। और जब हमारी रेशियो में आउटपुट अच्छी ना होगी, ठीक है, तो जितनी मर्ज़ी हम इनपुट दे लें वो कभी भी हम उसको अच्छी मशीन नहीं कहेंगे। जिस तरह हम वॉशिंग मशीन यूज़ करते हैं, एक जो है बहुत अच्छी वर्किंग कर रही होगी, बहुत अच्छा आउटपुट दे रही होगी, बहुत वॉशिंग उसकी अच्छी होगी, जो सेकंड होगी वो इतनी अच्छी नहीं होगी क्योंकि वो आउटपुट अच्छा नहीं दे रही होगी। तो वो तमाम चीज़ें जिनमें आउटपुट अच्छी नहीं आ रही होती, इट मीन्स उनकी एफिशिएंसी कम है, और जिनमें इनपुट देने के बाद हमारे पास अच्छी आउटपुट आ जाए, इट मीन्स उस चीज़ की, उस मशीन की एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। सो इट इज़ द रेशियो रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, पहले बात तो ये है कि ये रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, रिक्वायर्ड मतलब जो कि सिस्टम से ली जा रही है, यानी कि सिस्टम को रिक्वायर है।
सो सिस्टम से जो एनर्जी ली जा रही है एज ए इन आउटपुट, ठीक है, उसकी रेशियो है टू द एनर्जी गिवन एज एन इनपुट. सो एफिशिएंसी का फॉर्मूला बन जाएगा के रेशियो बिटवीन आउटपुट ओवर इनपुट. जितनी इनपुट दी जाएगी उसी तरह से अच्छी आउटपुट भी ली जाएगी, उतना ही मशीन अच्छा वर्क परफॉर्म करे एंड उतनी ही हमें एफर्ट लगाने के बावजूद अच्छा रिजल्ट मिले, इट मींस उसकी आउटपुट बहुत अच्छी है. एंड अगर आउटपुट अच्छी होगी इट मींस कि एफिशिएंसी बहुत अच्छी है. अब यहाँ देखें कि हमारे पास एफिशिएंसी एंड आउटपुट दोनों क्या आ रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन में. इट मींस कि जब चीज़ का डायरेक्ट रिलेशन होगा लाइक एफिशिएंसी आउटपुट, ठीक है, अगर हम सिर्फ इस चीज़ को देखें, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी अल्टीमेटली बढ़ती है, ठीक है, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो इट मींस कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ रही है. अब इस केस में एफिशिएंसी एंड आउटपुट दोनों जो हैं वो अपवर्ड है, तो क्या होगा कि अगर आउटपुट अच्छी होगी इट मींस उस चीज़ की एफिशिएंसी उतनी ही ज़्यादा है, लेकिन अगर इन आउटपुट अच्छी नहीं होगी कम होगी इट मींस उस चीज़ की एफिशिएंसी कम है. इसीलिए हम जितनी भी चीज़ें लेते हैं सबसे पहले उसकी एफिशिएंसी को चेक करते हैं. एफिशिएंसी क्या होती है कि हम लोग देखते हैं कि जितनी हमने इनपुट दी है उसके अकॉर्डिंग कैसी आउटपुट हमारे पास आ रही है. अब ये तो एफिशिएंसी थी, अगर हमें परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी रेशियो आती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100. सो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो एफिशिएंसी आएगी दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज. अब हम जितनी भी हमारी मशीनरीज हैं या कुछ भी है उसमें सबसे पहले एफिशिएंसी को काउंट किया जाता है एंड देखा जाता है कि अगर जो जितनी हम इनपुट दे रहे हैं तकरीबन उतनी ही आउटपुट आए. तो ये जो होता है ये एक आइडियल केस होता है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जितनी हमने इनपुट दी उतनी ही आउटपुट मिले या उससे ज़्यादा मिले, ऐसा नहीं होता. क्योंकि हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा कि जिस तरह एनर्जी कन्वर्ट होती जाती है कुछ ना कुछ एनर्जी का पार्ट ऐसा भी होता है जो यूज़लेस होता है, वो वर्क परफॉर्म नहीं करता एंड वो जो है इन्वायरमेंट को समटाइम पोल्यूट भी कर रहा होता है, ठीक है. तो इसी तरह से क्या हो रहा होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा होता है. जितनी ही हम इनपुट देते हैं हमें कभी भी उतनी आउटपुट नहीं मिलती, कम ही मिलती है. क्यों? क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ साउंड पोल्यूशन या नॉइज़ पोल्यूशन, हीट पोल्यूशन के तौर पे. तो इंजीनियर्स ने जब बहुत ज़्यादा वर्कआउट भी किया था इस बात पे कि हमारे पास सारी मशीनरीज ऐसी हों जिसमें हीट लॉस ना हो एंड जो एफिशिएंसी मिले वो 100% मिले, मतलब जितनी हमने इनपुट दी उतनी ही आउटपुट आ जाए. लेट सपोज हमने 100 जो है इनपुट दी, 100 जाउल एनर्जी दी, ठीक है, और ऐसा नहीं होगा कि 100 जाउल ही हमारे पास जो है आउटपुट आ जाए. सो ये हमें टोटल 100% जो है एफिशिएंसी मिले, कभी भी ऐसा नहीं होगा. क्योंकि सम पार्ट ऑफ एनर्जी मस्ट बी लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट या साउंड के फॉर्म में हमेशा रिलीज होगा. तो जैसे ही हमारे पास लॉस होगा इट मींस जो आउटपुट है वो थोड़ी कम हो जाएगी. लेट सपोज हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक हमारा था फ्लो डायग्राम्स का, उसमें भी हमने क्या बात डिस्कस की थी कि जिस तरह एक इनकैंडेसेंट लैम्प था, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की गई, मतलब उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड की गई, ठीक है. अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो है फर्दर कन्वर्ट हो गई लाइट एनर्जी में, ठीक है, लाइट एनर्जी में, एंड अदर पार्ट जो है कुछ पार्ट वो एज अ हीट एनर्जी लॉस हो गया. इट मींस हमने इनपुट तो काफ़ी दी, लेट सपोज हमने 100 दी इसको इनपुट, ठीक है, लेकिन अब 100 आउटपुट नहीं आई. क्यों? क्योंकि कुछ पोर्शन हमारा लाइट प्रोड्यूस करने में यूज हुआ है एंड कुछ जो है वो हीट एनर्जी में. लेट सपोज ये 70% हमारे पास लाइट आई एंड 30% हीट रिलीज हो गई जबकि हमने 100% इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की थी. इट मींस के हमारे पास जितने भी वर्किंग मशीन्स हैं हमारे घरों में या कहीं पे भी
उनमें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इनपुट अगर हम 100% दे रहे हैं तो आउटपुट भी 100% मिले, क्यों? क्योंकि सम एनर्जी मस्ट बी लॉस्ट आफ्टर द कन्वर्जन, ठीक है? तो इसीलिए कभी भी हमारे पास एफिशिएंसी जो है वो 100% नहीं आ सकती, क्योंकि आउटपुट कभी भी उतनी नहीं आएगी जितनी हम इनपुट दे रहे हैं। सो ये हमारा टॉपिक था अबाउट द एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी जो है दैट इज़ बेसिकली द रेशियो बिटवीन द आउटपुट एंड द इनपुट। आउटपुट कौन सी? जो आउटपुट उसको हम उससे ले रहे हैं, आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या कोई भी वर्किंग कंडीशन में। एंड इनपुट क्या चीज़ है? कि इनपुट जो हम लोग उसको दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है, या कोई भी फॉर्म हो सकती है। एंड अगर हमें परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी है तो जस्ट आउटपुट ओवर इनपुट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी गेट द परसेंटेज एफिशिएंसी।